दोस्तों ये एक शार्क का एसी का रिमोट है। इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसकी जो ये वाली स्प्रिंग है ये गल चुकी है। ये देखिए टूट रही, जैसे यहाँ ऐसी होनी चाहिए ये बड़ी स्प्रिंग, ऐसी यहाँ की ये गल के टूट चुकी है। तो दोस्तों आओ खोल के इसको चेंज करते हैं और बाकी और देखते हैं क्या इसमें प्रॉब्लम है। तो एक दो तीन पेज आप खोल लो सर। दोस्तों ये वाली तो स्प्रिंग इसकी सही है, ये थोड़ा सा जंग है, ये तो हम साफ कर देंगे हल्का सा। ये वाली स्प्रिंग इसकी गल चुकी है। ये माइनस वाली गली है, प्लस वाली ठीक है। तो हम देखते हैं कोई इस तरह की स्प्रिंग नहीं होगी तो फिर इसको बनाना पड़ेगा। इसी को बनाते हैं। यस ऐसे मिलेगी तो, जैसे ये मुड़ रहा है ना इसी तरह आकार देना पड़ेगा इस पर। तो दोस्तों ये हमने पिरोते लिए, थोड़ी सी ये अभी नीचे है, इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। हाँ ये ऊपर आ गया, क्योंकि जो बनी बनाई स्प्रिंग होती है सेम, उनको तो आप कुछ नहीं करना पड़ेगा एक नंबर, लेकिन जो सेटिंग है ये देखिए दोस्तों ये हो गया इसका जुगाड़। इस पर भी थोड़ा सा मार लेते हैं, अब इसको बंद करते हैं, पहले इसकी पैड लगा लेते हैं। फिर हम ये इसमें लगाते हैं, तो दोस्तों ये प्लेट फिट कर ली है, अब हम इसको बंद करते हैं। अब इसको पेच लगाने से पहले एक बार हम टेस्ट भी कर लेते हैं इसको कि ये सही होके चल रहा है या कोई दिक्कत है। दोस्तों वैसे जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, इससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये देखिए दोस्तों ये चल गया, ये भी सारे बटन काम कर गए। तो दोस्तों मेरे रिपेयरिंग के दो चैनल हैं, एक एम के एस रिपेयरिंग,
रिपेयरिंग या एक MKS फाइन सोल्यूशन, दोनों ही मेरे रिपेयरिंग के चैनल हैं, आप दोनों ही सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं दोनों पे ही लगातार वीडियो डालता रहता हूँ, दोनों ही मेरे रिपेयरिंग के चैनल हैं। तो दोस्तों ये दूसरा पेज भी कस लिया, ये देखिए दोस्तों अब इसे बंद भी कर लिया। दोस्तों आपने मेरी पूरी वीडियो देखी, आपका इसका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।